नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। वो कहते हैं ना कि सत्ता, सियासत और सिंहासन बदलने में देर नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फिर से नया मुख्यमंत्री मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दांव लगाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी के पास समय बहुत कम है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लगभग 6 से 7 महीने का वक्त है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं और क्या अब तक का उनका सफर रहा है। देखिए, उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। रावत के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता चुने गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखा धामी के नाम का प्रस्ताव। मदन कौशिक ने नेता पद के नाम का प्रस्ताव रखा और उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं और खटीमा से लगातार 2 बार उन्होंने जीत हासिल की है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेरोजगारी, विकास के मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। युवाओं के बीच अच्छी बैठ वाले नेता के तौर पर इनको पहचाना जाता है। एक नए चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला है। जाहिर है बड़ा चैलेंज है पुष्कर सिंह धामी के सामने। आज बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या अब पहाड़ों में परिवर्तन के बाद विकास की रफ्तार बढ़ेगी। देखिए, 114 दिन तक सत्ता संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था। भले ही तीरथ सिंह रावत सिर्फ 4 महीने ही सीएम की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो सुर्खियों में आ गए थे। महज 4 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसे विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। उनकी फटी जींस वाला बयान तो मुझे लगता है शायद हम सबको याद होगा। उसके लिए तो खुद तीरथ सिंह रावत की पत्नी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। खैर, फिलहाल तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे वजह बताई जा रही है संवैधानिक बाध्यता। लेकिन ऐसी ही कुछ मिलती जुलती परिस्थितियां बंगाल में भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी कि क्या तीरथ सिंह रावत की तरह ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। उत्तराखंड में बनी परिस्थितियों के पीछे की वजह भले ही बीजेपी संवैधानिक बाध्यता बता रही हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है और उत्तराखंड के लोगों के साथ मजाक किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उपचुनाव नहीं हो सकते। वास्तविकता यह है कि कोरोना काल में सल्ट में भी उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री वहां से भी चुनाव लड़ सकते थे, कहीं और से किसी विधायक का इस्तीफा करवाकर वहां से भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि नए सीएम मिल चुके हैं उत्तराखंड को, तो ऐसे में नए चेहरे को लेकर क्या सोचती है कांग्रेस और क्या अब उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज होगी? क्या अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी धामी के साथ ही चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लिस्ट आप देखिए, 20 साल में 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं। नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, ये तमाम नाम। भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन सिंह खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। ये 11 मुख्यमंत्रियों के नाम 20 साल में किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में बदले हैं, तो चलिए आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप भटनागर है नेता बीजेपी के, हिमांशु कुमार है नेता कांग्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु जी, सीधा आपका रुख करूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता के साथ मजाक कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कई तरह की तमाम बातें कांग्रेस इस वक्त कह रही है। नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल चुके हैं, बधाई देंगे आप? सबसे पहले जो बीजेपी, हिमांशु जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मिल रही आवाज जी? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड के लोगों के साथ मजाक हो रहा है, जिस तरह से लेग पुलिंग किया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी के अंदर थाने में उठा पटक चल रहा है, तो बीजेपी के अंदर तो सब कुछ ठीक नहीं ही है और उत्तराखंड की जनता के साथ भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कि जो विकास होना चाहिए, जो विकास की कार्य तेजी से होना चाहिए,
जो कोरोना महामारी के समय में कोरोना से निपटने के लिए योजना होनी चाहिए, ये सारी बातें धरी की धरी रह जा रही है, क्योंकि यहाँ सत्ता का खेल चल रहा है और सत्ता के खेल में बीजेपी के लोग अपने में ही उलझे हुए हैं और इस तरह से उलझे हुए हैं कि उत्तराखंड की जनता के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई विकास की बात नहीं हो रही। जिस तरह से 3 महीने में ही आप मुख्यमंत्री को हटा देते हैं और मुख्यमंत्री का रेस लगातार चलता रहता है, तो ये सत्ता अस्थिर बनी हुई है और अस्थिरता के दौर में विकास या जनता का सेवा संभव नहीं है, ये आप भी जानते होंगे पूजा। देखिए संवैधानिक बाध्यता, इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है संवैधानिक बाध्यता। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में उपचुनाव होने चाहिए थे? देखिए बीजेपी कई बहाने करती है, बीजेपी बहाने बनाने में महारत हासिल है बीजेपी को। आप बिहार चुनाव ले लीजिए, बंगाल का चुनाव ले लीजिए, कोविड के बीच में बिहार और बंगाल में इन्होंने चुनाव करवाया, क्या उस समय में चुनाव होना जायज था? बिल्कुल ठीक बात, लेकिन उस समय पर भी आप लोगों ने कहा था ना, इसी बात को लेकर मुद्दा बनाया था ना, तो अब उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या अब आप इसके फेवर में हैं? जब आप कह रहे थे कोविड काल में विधानसभा चुनाव कैसे हुए, क्या अब आप इसके फेवर में हैं, उपचुनाव होने चाहिए थे ऐसे समय में? देखिए बीजेपी अपने हिसाब से बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करती और ये भी एक उसी का ही हिस्सा है, इनको मुख्यमंत्री बदलना था और इसको इस मुद्दे से जोड़ करके इस तरह से बहानाबाजी करके ये चाह रहे हैं कि इस बहाने के आड़ में मुख्यमंत्री को बदल। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि कैसे बहानेबाजी, क्या उपचुनाव हो सकते थे? कई भी महीनों से जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विवादों के घेरे में रहे अपने बयानों को लेकर के, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कम से कम इससे नाराज चल रहे थे और उनको एक बहाना चाहिए था और इस बहाना को लेकर के वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को, वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने का काम कर रहे हैं, ये एक बहाना है। ठीक है प्रदीप जी, बहानाबाजी है ऐसा कहना है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग उत्तराखंड की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, आप लोगों ने मुख्यमंत्री बदला, हवाला दिया उपचुनाव को लेकर के, लेकिन 60 सीट का भी जिक्र इसमें हो रहा है कि वहां पर उपचुनाव, वहां से उपचुनाव वो लड़ सकते थे, कोरोना काल में वहां पर भी उपचुनाव हुआ, इसके अलावा किसी विधायक की जगह खाली करवाकर वहां से उपचुनाव लड़ा जा सकता था। क्यों झोल डाल के पीछे बोलते हैं? उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे दिया अभी कि भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया और वहां चुनाव कराया। अरे भाई निर्वाचन आयोग क्यों दोष देते, आप क्यों नहीं गए कंप्लेन लेके निर्वाचन आयोग में कि आप बंद कराइए कोरोना काल के अंदर? भाई निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष काम करने वाली संस्था है, आप टेलीविजन नहीं लगाते आप? निर्वाचन आयोग ने कहा कि नहीं भाई अब कोरोना काल है, नहीं उपचुनाव होगा, उन चीजों को देखा जा रहा है ना। इस विषय में स्पष्टीकरण नहीं देंगे अगर ममता जी को, अगर नहीं चुनाव होगा तो ममता जी क्या करेंगी? बिल्कुल, आपने ममता बनर्जी का जो सवाल यहाँ पर उठाया है प्रदीप जी, सवाल यहाँ पर क्योंकि ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि तीरथ सिंह रावत एक बहाना थे भारतीय जनता पार्टी के लिए और निशाना था ममता बनर्जी, क्योंकि सेम ऐसी ही सिचुएशंस इस वक्त बंगाल में भी है। नहीं देखिए, मैं अब बंगाल को लेकर मैं नहीं जाऊंगा, उत्तराखंड को, उत्तराखंड और बंगाल की परिस्थितियां बहुत अलग है, वहाँ तो खुद खूनी खेल चल रहा है राजनीति का, मैं उत्तराखंड में नहीं, वहां पर भी 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी है, जो कि अभी उपचुनाव अगर नहीं हुए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, संवैधानिक बाध्यता तो वहां पर भी होगी ना फिर? देखिए ये निर्वाचन आयोग का मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, निर्वाचन आयोग छूट देगा तो हो सकता है चुनाव हो भी जाए, अभी छूट नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी में वही उथल पुथल नहीं चल रहा है जिनकी मंशाएं हैं और जो ये बैठ के बोल रहे हैं कि खुद अपना जो हरियाणा में से उथल पुथल चल रहा है उसके विषय में कभी नहीं बोलते, आज भाजपा के घर में झांक के देखना चाहते हैं। हमारी भाजपा के अंदर कोई उथल पुथल नहीं है, इसको समाने दे हैं, मैं इसका आपको आश्वस्त कर दूं। और ये जो मुख्यमंत्री जो प्रणाली है, ये केंद्र समिति ने वो चीजों को बारीकी से देखते हुए काम किया है, थोड़ा ये भी थोड़ा सा आप दिल के पास कर दूँ। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरीके की कोई उथल पुथल नहीं चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर क्या वजह है कि उत्तराखंड जैसा प्रदेश, छोटा सा राज्य जहां पर केवल 70 विधानसभा सीटें हैं, 2007 से लेकर के 2012 तक 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, पिछले 4 साल में आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बदल दिया, ऐसी क्या वजह है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो? मुख्यमंत्री का सवाल तो यह है, ठीक है मुख्यमंत्री कार्य प्रणाली कुछ कमियां हैं उसे चेंज कर दिया, क्योंकि
कि जो एक जो एक जो मुखिया है उसको चेंज करने के लिए सत्र बैठा जाता है तो चेंज करा गया सीट के लेके। एक भाजपा की अपना सिस्टम और रणनीति है, उस रणनीति के तहत जनता पर क्या असर होगा, प्रदेश के विकास पर उसका क्या असर होगा। ठीक है, हम पंजाब की बात करेंगे, जब पंजाब का मुद्दा होगा पंजाब की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज क्योंकि जिक्र हम उत्तराखंड का कर रहे हैं तो उत्तराखंड के बारे में हम बात करें तो बेहतर होगा। आप मुझे बताइए कि अगर 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और अभी जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, 6 से 7 महीने का वक्त रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर, अभी इस समय पर अगर मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो क्या इसके पीछे एक वजह यह भी थी क्योंकि तीरथ सिंह रावत जिस तरीके से अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आए, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का खतरा कि उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में उनको हार ना मिले? मुख्यमंत्री जी ने जो भी बोला अपने वक्तव्य को, उनका एक व्यवहार विचार था, उन्होंने जो भी बोला उस चीज को किसने कैसे तोड़ मरोड़ कर रखा वो भी हमने देखा उन चीजों पे, ऐसा नहीं है। देखिए आए जितना दिन कार्यकाल 3 महीने का जो भी कार्यकाल रहा तीरथ जी का, और वास्तव उन्होंने काम किया और कोविड में काम करके उन्होंने दिखाया पूरे अपने प्रदेश के अंदर घूम के किस तरह किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर सीएम जो मिले चाहे वो 3 महीने के लिए, उस सीएम ने पूर्ण रूप से राज्य के लिए काम किया और हर जगह पहुंचे, और हमने आपदा वो भी देखी जब पानी ऊपर से नीचे आ गया था कितने लोग आदमी के बह गए, हमने वो भी देखा, उस समय भी मुख्यमंत्री वहीं खड़े थे। शब्द कहना बहुत आसान है, आप कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर काम किया, तो अभी तो 6 से 8 महीने का वक्त है, अब पुष्कर सिंह धामी भी काम करके दिखाएंगे। हरीश रावत जी क्यों हटा दिया गया था बता सकते हैं जी? मैं सवाल पूछूंगी उनसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि देखिए आप लोग वहां पर सत्ता में हैं तो विकास की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर आप पर है, आप लोग सत्ता में हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, हिमांशु जी कुछ कह रहे थे, एक रिएक्शन, फिर मैं अशोक जी के पास जाती हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी सदा से ही उत्तराखंड में अस्थिर सरकार बनाई, आप शुरू से इनका इतिहास रहा है, नित्यानंद जी रहे हूँ 354 दिन रहे, फिर भगत सिंह कोश्यारी जी मात्र 122 दिन रहे, भुवन सिंह चंद खंडूरी जी 111 दिन रहे, रमेश पोखरियाल जी 75 दिन रहे, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, फिर तीरथ सिंह रावत जी, फिर पुष्कर सिंह जी अब बने हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तराखंड के जनता के साथ सदा से ही भारतीय जनता पार्टी क्रूर मजाक करती रही है, उनको सत्ता। हरीश रावत 5 साल तक रहे थे क्या हिमांशु जी? हरीश रावत 5 साल तक उन्होंने अपना पदभार संभाल के रखा, कार्यकाल पूरा किया? हमने मात्र 2 मुख्यमंत्री दिया था, वो ऐसा नहीं कि 3 और 4 मुख्यमंत्री दिया, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से हरीश रावत जी को संपूर्ण रूप से विकास करने का मौका दिया, इस तरह से वहां नहीं किया गया था, इन लोगों ने बार बार अस्थिर करने का प्रयास किया। मैं दूसरी बात कहूंगा पूजा जी, आपने ठीक कहा था ये एक बहाना है उत्तराखंड, असली तो निशाना आपको पश्चिम बंगाल है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जी को हटाने के लिए, उनको संवैधानिक रूप से संकट में डालने के लिए उत्तराखंड का खेल खेला गया है, पर्दे के पीछे तो ममता बनर्जी जी को चीफ मिनिस्टर पद से हटाने का है। ठीक है, अशोक जी के पास जाऊंगे, बेहतर समझ रखते हैं वो इन तमाम मुद्दों को लेकर और राजनीति में अच्छी खासी उनकी पकड़ भी है। अशोक जी आप किस तरीके से देखते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि ये कहीं ना कहीं बंगाल को निशाना बनाने की कोशिश थी, क्योंकि परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं बंगाल में भी और उत्तराखंड में भी, या आप इस तरीके से देखते हैं कि जैसे एक तीर से 2 निशाने किए गए हों, तीरथ सिंह रावत के बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके की किरकिरे का सामना करना पड़ा, अच्छा अभी 6 से 8 महीने के अंतराल के बाद क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी बीजेपी, या इस वजह से ये जो कदम है ये उठाया गया, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, या वाकई संवैधानिक बाध्यता? देखिएगा पूजा जी, हर पार्टी की अपनी अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, कैसे क्या करती है, किसको बुलाती है, किसको कितने दिन की जिम्मेदारी सौंपती है। भाजपा के लिए प्रसिद्ध रहा है अनुशासित पार्टी है, उसका जो अपना जो सदस्य हैं, जो उसके मेंबर हैं, जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो अपना हाईकमान का कहना मानते हैं। यदि एक हाईकमान ने अपना ऑर्डर दिया था, हाईकमान जो उनको फिर अपने जो हिसाब से अपना जैसे है अपना बुला लिया, दूसरे को अपना कर दिया,
ये तो देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, अपोजिशन वाले जो है अपना लगाते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और रही अपना जो है कि निशाना कहाँ और तीर कहाँ, देखेगा जो सत्ता में होता है हमेशा से चलता है, वो कोशिश हमेशा से करता रहा है, चाहे भाजपा अब है, उससे पहले कांग्रेस भी रही है, काफी टाइम रही है, और हर कोई अपने टाइम में करता है, पर यानी संवैधानिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से, संविधान को ताक पर रखकर नहीं। अब ये कि मानते हैं कि 20 साल में काफी अपना मुख्यमंत्री बदले गए हैं, अपना जो है तीरथ जी जो थे कि अपने विवादों में भी रहे, ये भी रहे 3 महीने का बहुत ही अल्पकाल जो है अपना कार्यकाल रहा है, सब कुछ है मानते हैं, पर जैसे कि अब इलेक्शन है, इलेक्शन के जो आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले भी हर पार्टी अपना होमवर्क पूरा करती है, हर पार्टी चाहती है कि उसके जो जो कैंडिडेट जिनको खड़ा करें वो अच्छा प्रदर्शन करें और वो अच्छी फाइट दे और दूसरे वो जीत कर आए। लेकिन अशोक जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये होमवर्क थोड़ा सा पहले करना चाहिए था? जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था उस वक्त पर, जब तीरथ सिंह माफ कीजिएगा जब तीरथ सिंह रावत को चुना गया, क्या उस वक्त पर होमवर्क नहीं किया गया था पूरा? क्या भविष्य के बारे में नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो? देखिएगा हालात जो है, परिस्थितियां कुछ और होती हैं, और उस टाइम के परिस्थितियों के साथ साथ में हालात क्या बन रहे हैं, क्या पोजीशन बन रही है, उस टाइम हालात जो है पश्चिम बंगाल नहीं था, है ना, तो पश्चिम बंगाल जब नहीं था तो पश्चिम बंगाल में भी उठापटक चल रही है काफी के, जैसे कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में अपना भाजपा को जितनी उम्मीद थी उतनी उनका प्रदर्शन नहीं रहा, और दूसरे जो है अपना टीएमसी के आगे फिर अपना ममता बनर्जी अपनी सीट लूज कर गई, तो इसके बाद में 6 महीने के अंदर उनको भी अपना जो है कहीं ना कहीं किसी सीट से जीत के विधायक बनना था तभी वो सीएम भी रह पाएंगे, उनको भी 3 महीने के करीब शायद होने जा रहा है। यानी आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल की परिस्थितियां भी इस इस्तीफे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है? ऐसा है, मे बी पॉसिबल, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है, क्योंकि वहां पर जैसे हालात बने थे चुनाव के बाद में, चुनाव के बाद में जो हिंसात्मक जो घटना घटित हुई है वो उनको कोई अच्छा नहीं कह सकता, वो ये नहीं कह रहा है कि वो एमसी ने कराई या क्या नाम ममता बनर्जी ने कराई या कैसे है, ये नहीं कहा जा सकता। आरोप तो देखो लगते हैं, अपोजिशन वाले आरोप लगाते हैं, पर जो भी घटनाएं घटित हुई है बहुत ही दुखद घटना है, इनको बोला जाता है। अशोक जी आती हूँ मैं आपके पास, प्रदीप जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी देखिए परिस्थितियाँ हो सकती हैं, घटित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ तो इसका असर भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर संवैधानिक रूप से आता है, कोरोना बीच में आ जाता है, तो इस हिसाब से जैसे कि वहाँ पे अपना उत्तराखंड में नहीं अपना विधायक का जो है अपना नहीं चुनाव करा गया, हो सकता है कि वहाँ पे भी चुनाव आयोग जो है इस तरीके परमिशन ना दे और ऐसा कुछ अपना वहाँ पे भी। ठीक है, मैं अशोक जी आ रही हूँ आपके पास। प्रदीप जी देखिए, सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? खैर अब क्योंकि नया मुख्यमंत्री आपने चुन लिया है, अब 6 से 8 महीने का वक्त उनके पास है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी उनके सामने हैं, ये बात उन्होंने भी स्वीकारी है। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि चुनौतियां आपको क्या लगता है कितनी बड़ी हैं, और दूसरा ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या धामी के साथ ही चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के चेहरे के साथ? मैं थोड़ा सा एक चीज का स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर उत्तराखंड के लोगों ने, वासियों ने विश्वास किया है और जनता सेवा के लिए कुर्सी में बिठाया है, उसके साथ धोखेबाजी ना तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी और ना है और ना रहेगी, सत्ता में रहे या ना रहे, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जो विकास जो कार्य उत्तराखंड में होना है वो चलता रहेगा, जो जो रोड मैप बना है विकास का वो कभी नहीं रुकेगा। ठीक है सीएम चेंज हो गए हैं, मगर उत्तराखंड के विकास में कार्य में, चाहे वो कोविड का हो, चाहे विकास का हो, चाहे आपदा का हो, वो कार्य में कभी रुकावट ना तो आएगी ना आने देगी सरकार। दूसरी चीज देखिए, हाँ दीवान जी बिल्कुल बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, युवा है और 8 महीने का समय है, युवा वर्ग के हिसाब से काम करेंगे तो नेचुरल बात है कुछ तो आगे लाएंगे, ऐसा नहीं है। और रही चुनाव नेतृत्व की बात, देखिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और वो शीर्ष नेतृत्व में लड़ती है, सीनियरों की अंडर कस्टडी में हर चीज योजनाओं से लड़ती है, वो भी चीजें लड़ेंगे करेंगे, ऐसी कोई वो नहीं।
पहले ये चीजें थोड़ा स्पष्ट कर दो, जो विपक्ष लोग जो विपक्षी नेता बैठे हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जनता के साथ धोखा कर दिया, फलाना करे ढिमकाना, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो कृपया अपने आप को देखे, अपनी अपने प्रदेश को देखे जहाँ आपकी सरकार चल रही है। हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे यहाँ पैनल है, जो जो डिस्कस लेता है, निर्णय देता है, देखिए उसकी मानी जाती है, वहाँ लड़ाई नहीं होती है। अगर इस स्थिति के लिए कहा तो देखिए आदरणीय तीरथ जी ने फौरन रात को जाके माननीय राज्यपाल जी को इस्तीफा दिया। देखिए ये कहते हैं अनुशासन जो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकता है। हिमांशु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक नए चेहरे पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, एक ऐसा चेहरा जो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं लेकिन मंत्री पद का भी अनुभव उनके पास नहीं है। हालांकि बेरोजगारी के मुद्दे पर काफी ज्यादा वो एक्टिव रहे हैं, युवाओं के बीच उनकी काफी अच्छी पैठ उनकी मानी जाती है, तो इस नए चेहरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए सबसे पहले हमारे राजनीति का तो अनुभव है, इन बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। विधायक रहे हैं और सेकंड विधायक चल रहे हैं। सुन लीजिए भैया, बिल्कुल मैंने कहा, वही प्रदीप जी मैंने वही कहा कि विधायक वो दूसरी बार चुने गए हैं, हालांकि मंत्री पद का उनके पास अनुभव नहीं है। ठीक, मुख्यमंत्री विधायक बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर ऐसा नहीं है, अगर उनपे दाव खेला गया है तो उन चीजों को करा गया है, उनपे टीम है, बाकायदा तीरथ जी जैसे है, रावत जी जैसे उनके सीनियर लीडर साथ खड़े हैं कार्य के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ प्रदीप जी। हिमांशु जी बोलिए। देखिए हमारे मित्र जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि अनुशासन है, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, ये अनुशासन नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुकी है। आप देखिए हमारे ऊपर उंगली उठाने का ये काम कर रहे थे, हमने राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो कई मुख्यमंत्री बदलने का काम नहीं किया है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और सभी को स्वतंत्रता है, सभी की सभी अपने पार्टी में अपनी बातें रख सकते हैं। रह गई बात जो युवा नेता को इन्होंने अनुभवहीन व्यक्ति को जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद दिया है, हमारी शुभकामना है कि वो अच्छा करें, लेकिन हमारी चिंताएं भी हैं क्योंकि युवाओं के प्रति इनका जो सोच है वो तो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन इनका कार्य नहीं हो सकता है। जिस तरह से बेरोजगारी उत्तराखंड में बढ़ रही है, जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं उत्तराखंड से, जिस तरह से वहां पर रोजगार का अवसर छिन रहा है, ये चिंता का विषय है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं उनको चाहिए कि इन सारी समस्याओं पर, इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें। लेकिन और हिमांशु जी आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप उनको लेकर बयान दे रहे हैं? सर एक मिनट, क्योंकि अभी उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है, उनको काम करने तो दीजिए। अगर आपको आलोचना ही करनी है पहले देख लीजिए वो काम करते हैं या नहीं, अभी तो अपना पदभार भी उन्होंने नहीं संभाला और आपने शुरुआत ही नकारात्मकता के साथ की। असल में है क्या, हमारे मित्र कह ही रहे थे कि केंद्र द्वारा जो निर्देश मिलता है उसके हिसाब से काम करते हैं, तो ये भी तो कठपुतली की सरकार होगी। जिस तरह से केंद्र सरकार इनको कहेंगे, केंद्र की जो इनके आला कमान है जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उस तरह से मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो केंद्र में जिस तरह से रोजगार को खत्म कर दिया गया, रोजगार देने के बदले युवाओं से रोजगार छीना गया, तो कहीं ना कहीं हमारी चिंता वहां है। उत्तराखंड में भी युवाओं को रोजगार देने के बजाय युवाओं से रोजगार छीना जाएगा, क्योंकि ये अपने मन से काम नहीं करेंगे, ये आला कमान के इशारे पर जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी उनके इशारे पर काम करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में युवाओं का कल्याण कहीं से होता दिखता नहीं है उत्तराखंड में, वैसी हमारी शुभकामना है कि ये अच्छा करें और युवाओं को रोजगार दें। हिमांशु जी लौट रही हूँ आपके पास, समय की कमी है, अशोक जी के पास आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगी। अशोक जी, डबल इंजन जब जनता ने दिया है तो जाहिर सी बात है अपने जहन में उन्होंने डबल विकास की रूपरेखा भी तैयार की होगी कि अगर अपने डबल इंजन दिया है तो डबल विकास भी होगा। क्या आपको नहीं लगता ये राजनीतिक उथल पथल से कहीं ना कहीं विकास पर असर पड़ता है? अशोक जी, कथन आपका सत्य है, मानते हैं, इससे बात फर्क जरूर पड़ता है, पर इतना नहीं है। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अपना जो आला कमान, देखिए कि जिस घर में अनुशासन नहीं होगा या जिस घर में कोई बड़ों का महत्व नहीं होगा, ना वो घर चल सकता है ना ही वो पार्टी चलती है। यानी कांग्रेस भी अपने जो केंद्र जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उसमें देख चुकी है, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे वो पंजाब रहा हो, कैसे कहाँ क्या चलता है। हमें दूसरे के घर में झांकने से पहले अपने घर की तरफ ज्यादा ध्यान करें तो ज्यादा बेहतर है।
रहा ये गांव खेलना कि बिल्कुल फ्रेश है, कभी कोई मंत्री नहीं रहे, ऐसा कोई नहीं है। आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी पकड़ होती है। खाली ये नहीं है कि सब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, इसीलिए कोई अपना नहीं काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। तजुर्बा नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, काफी एक्टिव रहे हैं और उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड की बात करिए प्लान की, आज 25 वर्षों से प्लान चल रहा है वहाँ पे, 25 वर्षों से उत्तराखंड से प्लान चल रहा है। कांग्रेस केंद्र में बहुत लंबे टाइम तक रही, उस प्लान को रोकने के लिए क्या किया आपको? उत्तराखंड में आपदा में पैसा मिला केदारनाथ जी के, कुछ तो पढ़ लिया कीजिए चैनल पर डिबेट करने के लिए। सर मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ तीनों को रोकना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, पुष्कर सिंह धामी उनका नाम है, 45 वर्ष उनकी उम्र है, युवा चेहरा के तौर पर उनको देखा जा रहा है, युवाओं में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार वो एक्टिव रहे हैं, दूसरी बार वो विधायक भी चुने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, क्योंकि समय उनके पास 6 से 8 महीने का है, विधानसभा चुनाव फिर होंगे, ऐसे में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करवा पाएंगे पुष्कर सिंह धामी, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है। ऐसे में लगातार उत्तराखंड में कितना विकास होता है, क्या सियासी हलचल वहां पर इस वक्त तेज रहता है, या आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होंगी, खबरफास्ट लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएगा। बड़ा मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबरफास्ट के साथ। नमस्कार।